हाय गाइस, वेलकम टू उजमास कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी चिकन बिरयानी की बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे कच्ची बिरयानी भी कहा जाता है क्योंकि इस बिरयानी में चिकन की अलग से कुकिंग नहीं होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और इसमें हाफ कप दही डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया था और इसे हम इस तरीके से क्रश करके चिकन में डाल देंगे। धनिया के पत्ते लिए हैं मैंने, पुदीना और 4-5 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, तो इसे डाल देंगे चिकन में। तो देखिए, धनिया और पुदीना का इस बिरयानी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे प्लीज़ स्किप ना करें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिनिमम हम इसे 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट रखें, क्योंकि ओवरनाइट रखने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने एक पतीली में 1.5 लीटर पानी लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें 3 छोटी इलायची, 1 स्टार अनीस, 2 जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून शाही जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी, 3-4 लौंग। इन सारे मसालों को हम पानी में डाल देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 केजी बासमती चावल लिए हैं जिसे 1/2 आवर तक सोक होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम डाल देंगे यहाँ पानी में और इसे हमें 70% तक कुक करना है। तो चावल हमारे 70% कुक हो चुके हैं, ज़्यादा आप ना पकाएं। अब इसे हम छान लेंगे इमीडिएटली, एक छन्नी की मदद से आप इसे छान लें। और आप चाहें तो ये जो साबुत मसाले दिख रहे हैं, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे निकाल सकते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसे हम मिला लेंगे और चिकन के पीसेस को हम इस कढ़ाई में इस तरीके से प्लेस करेंगे कि एक एक पीस जो है वो बेस में टच हो। अब जो चावल हमारे बॉयल हुए हैं, तो 1/2 क्वांटिटी चावल की हम यहाँ पे चिकन के ऊपर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और थोड़े से फ्राइड अनियंस डालेंगे, कटा हुआ धनिया और पुदीना डालेंगे और फिर बाकी बचे हुए जो चावल हैं हम यहाँ पे डाल देंगे और सेम प्रोसेस हमें दोहराना है। तो देखिए, मैरिनेट मैंने उसी बर्तन में किया है जिसमें मुझे बिरयानी बनानी है, अलग से मैंने कोई बर्तन गंदा नहीं किया है। आप पतीली में बना लीजिएगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी कम है बिरयानी की तो मैंने कढ़ाई यूज़ की है। तो अब मैंने इसमें डाला है 3-4 टेबल स्पून देसी घी ऊपर से, और 1 कटोरी में मैंने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया है और बिरयानी के ऊपर हम इसे डाल देंगे। बिरयानी को जब हम दम होने के लिए रखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टीम फॉर्म हो, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 5-6 टेबलस्पून गर्म पानी, और किनारे पे डालिएगा उसी तरीके से। अब हम इस पे रख रहे हैं गीला कपड़ा। अगर आप चाहें तो आटे से भी सील कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेन इंटेंशन हमारा यही है कि स्टीम बाहर ना निकले, तो इस प्रोसेस से भी स्टीम बाहर नहीं निकलती है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर ढक्कन रखें और कपड़ा जो एक्स्ट्रा बाहर है उसे इस तरीके से रख देंगे। और देखिए, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। पहले 7 मिनट हमें बिरयानी को मीडियम फ्लेम पर रखना है। 7 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे अब सिम कर रही हूँ। बिल्कुल सिम आंच कर दीजिए, बिल्कुल सिम आंच पे। जब 8 मिनट हो जाएंगे बिरयानी को दम होते हुए, तो हम एक गरम तवा लेंगे और इसे हम फिर से फ्लेम को हम बिल्कुल कम रखेंगे और हम अपनी बिरयानी को तवे पे प्लेस करेंगे और इसे घड़ी देख के 15 मिनट तक हमें
तवे पे दम होने देना है, फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है और 15 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। लेकिन हमें अभी इसे खोलना नहीं है, 15 मिनट तक हम इसे इसकी ही स्टीम में रहने देंगे और उसके बाद से ही हम ढक्कन हटाएंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए बिरयानी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये कितनी आसानी से बन गई। इस बिरयानी में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने जो टाइमिंग आपको बताई है बस आप उसका ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी और ये बहुत खुशबूदार होती है। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है, चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से गल चुके हैं और चावल भी देखिए कितने खिले खिले हैं। तो मैंने इसे सर्व किया है रायते और सैलेड के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।